हाँ, तो जो अगली नेक्स्ट वीडियो हम डाल रहे हैं मेन चैनल पे, अभी कुछ ऐसा था ट्रेंडिंग में कि मुझे लगा कि इसके ऊपर भी एक बार छोटा सा स्टैंड अप करना चाहिए। तो भी एक काफी अर्जेंट इमरजेंसी पड़ गई थी तो वो सुलझा के या फिर वो अटेंड बताएंगे अभी फेल कर दो। कौन है देख, पूरी खाली सड़क है नोएडा की, रात को 2 बजे इस पे भी अगर कोई हॉर्न दे सके है ना। मौत नजदीक ही दिख रही है मुझे। क्यों रखी तो पीछे मौत ही तरह कोल्ड ड्रिंक बोल लोगे तुम आज गली से। कुछ टाइम दूध दही कितना जमा हो चुका प्लेट पर। हम तो वही भी हैं अब कहना खाने के साथ। अब तो मैंने सोच लिया कि बस जब मरना ही है तो अपना जी के तो मरे अच्छे से। और ये देखो ये रे का पिसाब निकल जाएगा अगर ये देख ले इस टाइम। रे ने रे को दिखा नहीं रहा मैं, रे तो इस पर जी लगा, रे को इतना भी नहीं चाहिए। रे तो बिस्कुट खावे, दो खावे और बाकी पैकेट फेंक है। रे की जो है आत्मा तृप्त हो जाए उससे। डागर तिरछा गया तेरा, तिरछा। आई नो गाइस, काफी सारे दिनों से मैं यही शर्ट पहन रहा हूँ बट मैं क्या करूँ यार। मतलब तुम समझा करो मेरी मजदूरी, आई मीन मजबूरी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस टाइम नहा रहा हूँ, किस टाइम खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो इसीलिए जब सुबह उठता हूँ वापस, जैसे तुम्हें पता मैं नंगा सूत, पूरा नंगा नहीं मतलब शर्ट निकाल के टी शर्ट निकाल के, तो जब सुबह उठता हूँ तो जो गेट के पीछे टंगे रहते हैं भाई मैं उठा के पहन लूँ, जब तक मैं नहाता नहीं, नहाता मैं फिर शाम को। तो इसीलिए मैं सोच रहा था क्लेरिफाई कर दूँ, नहीं तो लोग ये बोलते भाई तू नहा नहीं रहा, भाई तू कपड़े नहीं बदल रहा। नहा डेली रहा हूँ भाई, मैंने बहुत अच्छी आदत सीख ली कि मैं नहाता डेली हूँ क्योंकि मेरे ब्याह के दिन करीब है ना। मेरे साथ कल इतनी गंदी ट्रेजेडी हो गई। ये पुराना हैंड वॉश रखा था, मतलब ये बोटल, इसमें नीचे ब्लू वाला था, फिर मैंने इसमें जब भरा व्हाइट वाला, और ये ऊपर तक भरी, अब ये हिलाते ही बाहर निकल जा रहा। और मैं इसमें से भर रहा था, अब इसमें बच गया इतना सा, मतलब ये किसी हैंड वॉश में जा भी नहीं सकता कुछ भी। तो मैंने रख लिया अभी उठा के, कि जब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा ना वापस से तो उसमें ऊपर वापस भर दूंगा। ऐसी ऐसी चीजें वेस्ट करते हुए ना मुझे बड़ा दुख हो। तुझे नॉनवेज खाने को पता मैं किस लिए कहा करूँ था, क्योंकि देख जब अब हमारे पास कोई खाना बनाने वाला नहीं है, अब बॉडी को प्रोटीन कहाँ से देगा जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है। दाल खा, मुर्गे की टांग। एक मुर्गा अगर मेरे शरीर को हेल्दी बनाने के लिए अपना जीवन त्याग रहा है तो उसमें क्या बुराई है। और तू भी तो फिश कैप्सूल खावे है ना, मैं तो तू भी तो अपनी बाल बचाने के लिए मच्छी मार रहा, नहीं मेरी बुराई है ना। तो वे कैसे वेज हो सके, फंस गया आज तो। मच्छी तो बहुत भाग भाग खावे, नो बतावे सुबह के दो शाम के दो खाओ। दवाइयों का कौन सा पता, सारी वेज हो, दवाइयों पर कोई लिखा हुआ है वेज नॉन वेज? अबे तो मरीज तो इतना ज्यादा ध्यान देता नहीं। कोई कोई किंग हुआ है, एक किंग थे वे, उन्होंने खाने से मना कर दी थी हमारे, उसमें जानने वाले में मर गए थे। देख मैंने ऐसे देखा कि किंग तो ऐसे भी थे, मांस शरीर को अलग ही ताकत दे, सब करें ऐसा या नहीं मरने ये तो पता नहीं। खून चढ़ना था, दूसरे का खून लेना भी तो नॉन वेज ही हुआ। नहीं यू कह रहे, पता नहीं किसका होगा ये तो खून, किस जाति के आदमी का होगा। चढ़वाया नहीं, अच्छी बात, गंदी मर गए। ये तो भगवान ने रिजल्ट ही दिया यार। कहना नाना पाटेकर ने बहुत पहले कह दिया था, मैं हिंदू तू मुसलमान, देख दोनों का खून रंग लगे क्या, वही वाली बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, खून सब कहेगी है। तू वेट करेगा आज कैमरे पे बोल दे यस नो। नहीं भाई इक्वल मानता तो भी हाँ करता बढ़िया। नहीं कुछ जो आदमी यूं कह रहे हैं ना, मुझे कुछ नहीं बोलना, इसका मतलब पाप ले रहा हूँ मन में बहुत सारे। डोंट हेट ऑन देयर रिलीजन विदाउट। अभी मेरा रिलीजन तो पता ही नहीं किसी को क्या है, मेरा रिलीजन तो प्यार है। बताओ यार अलग ही है, शरीर पर चार बाल हैं, वही साले बटन खोल के दिखावे, डांट पड़े फिर घर से। मम्मी हुए बटन बंद कर लिया कर, पता नहीं यार घर वाले इतने ध्यान से क्या, आप लोग देख क्या मना कर रखी है उन्होंने, मगर अपनी लाइफ में ध्यान दो तुम, मगर अपनी सक्सेस पे ध्यान दो। मम्मी पापा का एडमिशन कराने की सोच रहा हूँ तो स्कूल में, आजकल वही है, आजकल मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा बोलते हैं। रुक जाओ भाई फ्रेरो रोशर, कहाँ से लाया? ऑर्डर करी थी अभी। देख एक चीज है, बहुत अंडररेटेड, फ्रेरो रोशर का स्वाद तो रहा खराब। जो मैं कभी खरीद के नहीं गई, ये हमेशा लड़कियां फंसाई यार उनसे। हाँ, मैंने भी कभी खरीद नहीं, मतलब मैंने तो खरीद लिया एक फ्रेरो रोशर के 500 रुपए बचाने के चक्कर में, दिल तोड़े मैंने अंदर, मजा आएगा। अरे तो लड्डू, ये तो लड्डू महंगी नहीं है, यू कह रहे हैं ना, ये तो फ्री बंड में मुंह मांगे मांग रहे, मुंह मांगे भी तो नहीं मांग रहे, बाहर से तो चिकन जैसी लग रही। मैंने सुना कोई बोल रहा था भाई ब्लॉग जितने छोटे करते जा रहे हो कि थोड़े दिन में शॉर्ट्स पे अपलोड करना शुरू कर देना। वाओ यार कभी हमारे भी तो मजबूरी समझो। मैं तो कल सोच ही ना था कि ब्लॉग डाल भी दो, क्योंकि पूरा रिकॉर्डिंग शो था, 1 बजे से स्टार्ट था, 9 बजे खत्म हुआ था, मैं थक इतना गया था। वो तो हर्ष ने थोड़ा बहुत कर लिया था रिकॉर्ड, हमने सुबह रिकॉर्ड कर लिया था, वही कभी कभी मुझे ज्ञान पेलने की आदत है तो मैं ज्ञान दे देता हूँ। तो अब लेकिन लोग ऐसे कह रहे कि भाई जिस दिन इतना छोटा ब्लॉग बनाना होगा ना उस दिन तुम शॉर्ट्स पे अपलोड कर दियो। मैं ठीक है यार, हमें तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, रोज रोज ब्लॉग पे क्या कर सकेंगे तो बताओ। वही तो, रोज एक बार बताओ, एक आदमी है रोज सुबह उठ रहा, तुम्हारी लाइफ तो ज्यादा हैपनिंग है मेरी से। मैं तो रोज सुबह उठ के अपना स्क्रिप्टिंग पे बैठ जा रहा, वही बात है बड़े भाई की तरह। मैं कभी कभी सुबह 7 बजे सोता हूँ। मैं ऐसा कह रहा अगर कोई सीसीटीवी कैमरा लग जाना या उसे रिपीट पे भी लगा दो तो मेरी दिनचर्या तो वही है। उसमें से एक चीज कम हो सके कि एक दिन मैं नहा लिया एक दिन नहीं नहाया। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, वो सोसाइटी के कुछ बच्चे हैं जो फालतू बोल रहे हैं, आज मैं सोच रहा था आज वहाँ चले जाए हम किसी वाटर पार्क वगैरह, बट फिर वही हो गया। मैं आज लेके टिकट देख रहा था, 30,000 रुपए ले जाने की।
फ्लाइट से आना जाना या जाना जाना? अरे नहीं भाई, फिर तो कहना बाइक से ही चले जाएंगे। फिर तो मसूरी ठीक है मसूरी। यार कहीं घूमने जाने का मन तो है। लेह घूमने के लिए अच्छी जगह है, बट हैपनिंग नहीं है यार। हैपनिंग मतलब तो हिमाचल उत्तराखंड ही है। तुम ना चलो, अलग ही है ले। तुम ना चलो या मैं वगैरह, फिर पैसे इतने ही लगने। विदेश चल लो, विदेश तो वैसे नेपाल भी है। मैं पक्का एक जगह जाता अगर वहाँ की थोड़ी इकोनॉमी खराब ना होती तो श्रीलंका। मेरा भी मन बिल्कुल जाता श्रीलंका तो मैं। ऐसा है यार कि अपने इंडिया में अलग फील है घूमने की। देख हालांकि एक ही देश घूमने फील हो ध्यान दे रहे। नहीं भाई कैसे, अभी मैं बहुत कंट्रोवर्शियल बात कर दूंगा। दूसरे देश घूमने चलना है साउथ इंडिया, मतलब मेरा मन है यार ऐसे केरल वेरल घूमने का। यार बात ये है, राजनीतिक पार्टियों ने इतना खराब कर दिया साहब, इतना खराब कर दिया, कहीं घूमने में भी डर लगने लगा ना। वही सारा हमारी बिरयानी ना बना के खा जाए। पर ठीक है यार, कभी तो जाऊंगा मैं। कभी अगर ऐसा हुआ कि मुझे लगा जाना चाहिए यहाँ पे, असल में इतनी दूर पड़े है ना, मन नहीं करे। अगर इतना ट्रैवल करना, पैसे खर्च करने ना, तो विदेश ही चले जाओ। अब समझ में आया ये सारे सेलिब्रिटी विदेश क्यों जाए थे मोदी जी की तारीफ करने के बाद। बीजेपी को वोट देना भारी पड़ रहा है। मैं तो वोट भी नहीं दी, मैं तो ट्विटर पे थोड़ी बहुत कर दूं प्रमोशन, ले लूं थोड़ी साइड क्या ले ली मैंने। तो यहाँ तो आधे ट्रिप कैंसिल होगी हमारी। तो कोई दुबई चल सकते हैं, फ्लाइट में जाइए ताड़ लेगा कोई दुबई में। यार इंडिया मुझे ऐसा लग रहा है कि दुबई ऐसा हो गया जैसे मेरठ से दिल्ली अप डाउन करे ना आदमी, हर कोई जा रहा। हमारे यहाँ एक काम करे वो, यूं कहे शाम को जिस दिन मन नहीं लगता दुबई चले जाओ, फ्लाइट पकड़े दुबई चले जाओ। भाई ऐसा कर दिया लोगों ने दुबई तो सड़ा दिया। मन नहीं करता सच में जाने का दुबई। मैं ब्लॉग में इतना देख चुका कि मेरे रास्ते आ गए दुबई। मतलब ऐसा है दुबई का हिसाब, पता कैसा करते हैं इन्होंने, वो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस नहीं होती, वहाँ की फ्लाइट ऐसी करती। मतलब चप्पलों में भी उतर रहे लोग कोई कोई तो, बस बिल्कुल अभी वहाँ खेत खोद गया हो ना वो अपना, अब घर आ रहा सुबह खाना खाने, ये हिसाब चल रहा। पर चलेंगे कहीं ना कहीं, एक दो जगह है, मैं अभी नाम रिवील नहीं करना चाह रहा, पर वहाँ पे मेरा जाने का मन है कि अगर बाहर जाना, मतलब अगर 1,00,000 रुपए खर्चने ना, फिर यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं यार। पैसा तो फिर 4,00,000 रुपए खर्च, फिर 4 खर्च के भी देश जाओ। एक आदमी पता है क्या सोचे कि इंडिया में खुला घूमने में 1,00,000 रुपए लगे, तो एक मैं तो यार खर्च के विदेश चले जाओ। विदेश में साले एक आदमी के 1,00,000 रुपए लगे, वो भी तो 1,00,000 वो भी एक आदमी के 1,00,000 भी जब बता रहा है, जब आधी बार पेट काटना पड़ेगा सुबह शाम, मसाज मसूज ले लेंगे तो रशियन वशियन से अगर दोस्ती हो जाए तो साला गरीब लुट जाएगा। इधर यहाँ पापा को फोन करके कहना पड़ेगा, पापा को मेरे नाम के खूट तो बेच दो। मुझे रात पता क्या सपना देखा, मुझे पहले देखा कि हम गोवा गए, फिर गोवा से हम वो पैरामाउंट पिक्चर्स करके एक नहीं आते उनका पहाड़ी सी दिखे हॉलीवुड गए, फिर वहां से वो मुझे पहाड़ी दिख गई, मैंने वहां गाड़ी फेर दी, फिर मेरी गाड़ी 300 की स्पीड में चल पड़ी, ब्रेक नहीं, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से वो सड़क पे लाई, फिर हमारे आगे थैनोस चल रहा और सारे एवेंजर्स आगे, मेरी गाड़ी से मैं थैनोस का मिसाइल मार रहा। मैं तो यही हूँ, मगर यार GTA 5 ज्यादा मत खेल ले अगर ऐसे हो जाए। अभी मैं तो जा रहा नीचे थोड़ी देर, शरीर को सांस वो देना, इनहेल एक्सहेल करनी, ऑक्सीजन काफी दिनों से मिल रही है। वैसे एक बात बताऊं, पिछले 3 दिन से नाश पे ही है सारे। बस काम तो मैं तो वेट कर रहा हूं अपनी रिकॉर्डिंग वीडियो का, शायद आज रात को आ जाएगी तो उसे एडिट करना। हाँ तो जो अगली नेक्स्ट वीडियो हम डाल रहे हैं मेन चैनल पे, एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल बिट डाल रहे हैं, जो हम डिसाइड कर रहे थे रिकॉर्डिंग के लिए वो रिकॉर्ड हुई है, बट वो डालेंगे 1 महीने बाद जो मेन बिट है। अभी कुछ ऐसा था ट्रेंडिंग में कि मुझे लगा कि इसके ऊपर भी एक बार छोटा सा स्टैंड अप करना चाहिए, तो वो 2 दिन की प्रिपरेशन में हो रखी है, तो वो भी मैं डालूंगा। मतलब वो अच्छा लगे लोगों को ना लगे, हाँ लेकिन अच्छा है। अब मैं कह दूंगा अच्छा ना लगे तो गलती कमेंट करेंगे। स्टैंड अप का मतलब एक ग्लिम्स मिल जाएगी, लोग एक्साइटेड है स्टैंड अप देखने। तो ठीक है वो डालूंगा मैं, जैसे भी उस पर रिस्पॉन्स आए। जो मेन स्टैंड अप क्लिप आएगी वो आएगी 1.5 महीने बाद, मतलब मेन का मतलब ये जो परफॉर्म कर रहे हैं हम सच में, ये भी परफॉर्म ही करा था, पर समझो तू। ये तो 90 ईयर्स ओल्ड असब्रोवस है, मतलब मुझे शर्म आ रही है ना देख के कि भैया अगर मैं इतना कर दूँ ना 80-90 साल में, तो मैं सच में भगवान खुद गिफ्ट करके जाएगा मुझे +30 ईयर्स। और हम साला अभी इतना बढ़िया शरीर है, अभी भी हम जिम नहीं जाना चाह रहे, और अंकल मैं यहाँ खड़ा हूँ आधे पौन घंटे से अंकल जब से लगे पड़े, और अभी अगर लटक के ये इधर से इधर भी चले गए तो बस फिर तो मैं आज यहीं पे ही अपनी कब्र खोद दूंगा इसके नीचे ही। सॉरी गाइस, पर्सनल लाइफ थोड़ी दिखा नहीं पाया आज। तो अभी मैंने आम खाए, बता देता हूँ सीजन के पहले आम शायद मैंने खाए हैं, वैसे तो घर पे पिया था शायद मैंने मैंगो शेक, बट सीजन का पहला आम ये खाया है मैंने, और आज मैंगो शेक पीने का भी जो है इरादा है अगर बन पाया तो, और आम बहुत ही बढ़िया है। और अभी मेरा ध्यान पड़ा ये करते करते कि ये प्लेट यहाँ से टूटी हुई है, ये तो किसी ने धोते हुए शायद बर्तनों के नीचे आ गई होगी। कोई नहीं यार क्या करे, सावित्री साली जाते जाते हर चीज का नाश कर देगी। रात की गड़ी मारने भी एक काफी अर्जेंट इमरजेंसी पड़ गई थी, तो वो सुलझा के या फिर वो अटेंड करके आ रहे हैं, पर सब ठीक है, सब ओके टेस्टेड है। पर अब ओके टेस्टेड ऐसा है, आज के काफी सारे प्लान्स थे जो मैंने कल पे डाले थे, अब कल के काफी सारे प्लान्स हैं जो मैं परसों पे डाल रहा हूँ। तो आज बहुत ही, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा वो ड्राइवर ऐसा है कि
उसके साथ मुझे सीट बेल्ट ऐसे पकड़ के बैठनी पड़े, ब्रेक मारे कहीं भी घुमा के। ऐसे भी नहीं है, ये बहुत हार्ड ब्रेकिंग करे ब्रेक तो रखा तो दबाऊंगा ही भाई, ब्रेक दबा देंगे अभी फेल कर दो। कौन है देख, पूरी खाली सड़क है नोएडा की, रात को 2 बजे इस पे भी अगर कोई होने दे सके है ना दूध ले जा रहा। फिर अभी जब इसे पकड़ के लुटा दूंगा सड़क पे तो कहेगा गरीब आदमी हूँ, बच्चों का पेट कैसा पाल लूं, तो होन दे के पल लगा क्या? नहीं, एक बात तो है, जो पहाड़ों पे दूध वाली जो गाड़ियां हैं, बुलेरो ट्रक जो रहे हैं, भाई साहब माइकल शूमाकर से तगड़े ड्राइवर रहे हैं। न्यू ही रहे ट्रक आगे पलटा मिले पहाड़ों के बस ड्राइवर भी बहुत खतरनाक हो, पर ओवर कॉन्फिडेंट हो बहुत ज्यादा। अरे इसी चक्कर में हर साल 20-30 लोगों को कोई हो जाए, हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाए। हर साल पहाड़ों पे 10,000 ड्राइवर्स की रोड एक्सीडेंट ही चलते हैं। बना देना एक पहाड़ खराब क्यों है, और हाँ। अपने पसंदीदा आर्टिकल चला दिया उसमें कि कितने एक्सीडेंट हो रहे, तो इसलिए पार्ट खराब है। अब तो तू समझ गया ना, तो साइकोलॉजी समझ गया, तूने वीडियो बहुत गहराई के साथ देखी ना, बस तुझे आर्टिकल ढूंढ के ला, तुझे बस आर्टिकल ढूंढने, कभी भी टॉपिक ना लिखो, सही आदमी का आर्टिकल, सिर्फ एक सोच बनाओ और सही आर्टिकल ढूंढ लो बस। ये जो रोड चल रही ना भाई, ये रोड में इतनी देख चुका इसमें, अरे बहुत छोटा है वैसे, मुझे ऐसे ही बाहर से बहुत तगड़ा दिखे है। अरे वो मेरे नाम से बुक हो जाएगा फ्री में, जाम थे आज वहाँ भी, तो 2 लोगों ने मुझे भी बहुत अवॉर्ड कर दिया था, यूं कह के मेरे सामने खड़े ऐसे कर रहे बात जैसे कान में कर रहे हो, तुम्हें पता है यूट्यूबर है यार। मैं सामने खड़ा बिल्कुल उनसे इतनी दूर खड़ा था मैं, बस इतनी दूर। सबसे बड़ी दिक्कत पता है कब हो, मतलब या तो आदमी आगे सामने से वो ना कन्फ्रंट कर दिया तो इंसान, या फिर दूर मतलब इतनी दूर से बात करेगी मुझे पता ना चले। चल वो तो सिचुएशन निकल गया, सबसे अवॉर्ड पता कब हो, अब तक तो मैं नौकरी पेशे वाला था तो मैं बता दूं था भाई सेक्टर 62 में जॉब कर रहे हैं। अब जैसे ही पूछे कोई क्या कर रहे हो, जॉब का बताऊं झूठ बोलने का मन नहीं करता, यूट्यूब का बताते तो भाई मतलब शर्म ही आ जाए। पता क्या हुआ, जयपुर में ना मुझे एक लड़का मिला वहाँ पे मॉल में, जिस मॉल में से मैंने बेल्ट खरीदी थी ना, डब्ल्यू टी पी वर्ल्ड ट्रेड पार्क, वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला, मुझे कह रहा भाई आप वही हो ना लक्ष्य यादव। मैं नहीं भाई, कह रहा गौरव चौधरी। मतलब तू आसपास ही घूम रहा, कह रहा फिर मुझे कह रहा अरे अभी मीटअप तो किया था आपने, मगर हाँ बिल्कुल, मगर बिल्कुल सही पहचान रहा तू। ऐसे ही एक स्टैंड अप पे था, कह रहा हाथ मिला के ढाका नहीं आया, मुझे पहले लगा मजाक कर रहा, मैं हंसा पहले, ढाका नहीं आया, ढाका कहाँ है। बहुत से लोग रचित को हर्षित कहते हैं, अर्चित बताएं अर्चित कैसा है, बढ़िया। पहले शुरू में व्लॉग्स में मुझे अक्षित बताते थे, अक्षित को रचित बताते थे, नाम भी तो सारे वही हैं, रचित अक्षित हर्ष। नहीं रचित अक्षित ये तो एक टट्टी नाम है कुछ भी, वो जीभ तो उसमें वो हो रही है, डिहाइड्रेट हो जा रही जीभ बोलते ही। हर्ष है देख, हर्ष सिड़क टिव नाम है एकदम, मुझे लगा सिड़क निकल जाए।